हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 2 मार्च 2019 के हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस्ड ए न्यू रेलवे जोन फॉर आंध्र प्रदेश, दैट इज द साउथर्न कोस्ट रेलवे एंड इट विल बी हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापट्टनम। इट विल बी द 18th जोन इन द कंट्री। द न्यू जोन विल कंप्राइज द एग्जिस्टिंग गुंटाकाल, गुंटूर एंड विजयवाड़ा डिविजन्स that currently fall under the South Central Railway. The cost of creating infrastructure for a new zone is around 205 crore rupees. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नए रेलवे क्षेत्र की घोषणा की है, जो कि दक्षिणी तट रेलवे है और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। यह देश का 18वां क्षेत्र होगा। नए जोन में मौजूदा गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल होंगे, जो वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं। एक नए क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की लागत लगभग 205 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कारों की बात की जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्म द शांति स्वरूप पटनागर प्राइजेज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2016-17 and 18 इन न्यू दिल्ली। देयर वर 34 प्राइज विनर्स। द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज द मोस्ट कोवेटेड नेशनल रिकॉग्नाइजेशन बेस्ट आउट अपॉन यंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू ऑनर दियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया। इट वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन 1957 टू ऑनर द एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ष 2016-17 और 2018 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए। 34 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में अपने अनुसंधान और विकास कार्य को सम्मानित करने के लिए युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रदान की जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मान्यता है। 1957 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को सम्मानित करने के लिए पहली बार इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, आइए बात करते हैं एग्रीमेंट समझौतों की। इंडिया एंड ब्रुनेई साइंड ए पैक्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन कलेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेस इन ऑर्डर टू कर्ब टैक्स एवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस इन न्यू दिल्ली। दिस एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट बोथ द कंट्रीज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड ओनरशिप इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पज and will also avail mutual assistance in collection of tax revenue claims. भारत और ब्रुनेई ने नई दिल्ली में कर चोरी और कर परिहार पर अंकुश लगाने के लिए करों के संबंध में सूचना और आदान प्रदान में सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें कर उद्देश्य के लिए बैंकिंग और स्वामित्व वाली जानकारी शामिल है और इससे कर राजस्व दावों के संग्रह में पारस्परिक सहायता भी प्राप्त होगी। नेक्स्ट, नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन एंड अडोब साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू कलेक्टिवली ड्राइव द चार्टर ऑफ डेवलपिंग क्रिएटिव स्किल्स एंड स्प्रेडिंग डिजिटल लिटरेसी अक्रॉस द अटल टिंकरिंग लैब्स इन इंडिया। 100 स्कूल्स विल बी अडॉप्टेड बाई अडोब under the ATL initiative and will be implementing its digital disha program in ATLs under which free license of Adobe Spark Premium shall be offered to ATLs. Niti Aayog ke Atal Innovation Mission
और एडोबी ने भारत में सभी अटल टिंकरिंग लैब्स में रचनात्मक कौशल विकसित करने और डिजिटल साक्षरता के चार्टर को सामूहिक रूप से चलाने के लिए एक आशय के कथन पर हस्ताक्षर किए हैं। एडोबी द्वारा ATL पहल के तहत 100 स्कूलों को अपनाया जाएगा और ATL में अपने डिजिटल दिशा कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिसके तहत अडोब स्पार्क प्रीमियम के मुफ्त लाइसेंस ATL को दिए जाएंगे। नेक्स्ट आइए बात करते स्कीम्स एंड कमिटीज, योजनाएं और समितियों की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जॉल और आम लॉन्चेज द एम्बिशियस स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नेम्ड वान धन। द स्कीम इज फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MFPs एट ए नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बाई ट्राइफेड। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना वन धन लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना का शुभारंभ किया है और एक राष्ट्रीय कार्यशाला में MLFP के मूल्य श्रृंखला का विकास किया है। यह योजना आदिवासियों को 50 व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य वस्तुओं के लिए पारिश्रमिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। नेक्स्ट आइए बात करते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, शिखर सम्मेलन और बैठकों की। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल इनोग्रेटेड द इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सिंपोसियम एंड एन एग्जीबिशन ऑन डिजिटल हेल्थ एज ए पार्ट ऑफ द सिंपोसियम इन न्यू दिल्ली। पार्टिसिपेंट कंट्रीज अलॉन्ग विद वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज स्टेट्स एंड अदर स्टेक होल्डर शोकेस की इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशंस। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में संगोष्ठी के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी और डिजिटल स्वास्थ्य पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें विभिन्न देशों के साथ साथ विभिन्न सरकारी मंत्रालयों राज्यों और अन्य हितधारकों ने नवाचार कार्यान्वयन के अनुभव और अभिनव डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट, रैंक एवं रिपोर्ट्स की। अकॉर्डिंग टू BCG IB रिपोर्ट EASI रिफॉर्म फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स पंजाब नेशनल बैंक PNB सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट अमोंग ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म एजेंडा। PNB विच टॉप्ड द लिस्ट विद ए स्कोर ऑफ 78.4 आउट ऑफ 100 इन द एज इंडेक्स वॉज फॉलोड बाय BOB 77.8 SBI 74.6 एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 69। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री द्वारा जारी BCG IBA रिपोर्ट इज रिफॉर्म फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सुधार के लिए सुधार एजेंडे के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान दिया गया है। PNB एज इंडेक्स में 100 में से 78.4 के स्कोर के साथ सूची में सबसे शीर्ष पर है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा 77.8 के साथ दूसरे स्थान पर, SBI 74.6 के साथ तीसरे स्थान पर और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 69वें स्थान पर सूची में शामिल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। बेंगलुरु बेस्ड सिग्नल चिप हैज अनवील्ड सेमीकंडक्टर चिप्स फॉर 4G LTE एंड 5G मोडम्स। दीज आर फर्स्ट सच चिप्स डेवलप्ड इन इंडिया। 4 चिप्स वर लॉन्चेज बाय द सिग्नल चिप एज पार्ट ऑफ इट्स रिच कोड नेम्ड एग्यूम्बे। दे आल्सो सपोर्ट पोजिशनिंग यूजिंग इंडियाज ओवन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NAVIC। बेंगलुरु स्थित सिग्नल चिप ने 4G LTE और 5G मोडम के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किया है। ये भारत में पहली बार विकसित किए गए ऐसे चिप्स हैं। भारत में सभी उपकरण और बुनियादी ढांचे, चाहे आयातित हो या घरेलू निर्मित, वर्तमान में आयातित सिलिकॉन चिप्स का उपयोग करते हैं। 4 चिप्स को सिग्नल चिप्स ने अपने श्रृंखला कोड नाम अगुम्बे के हिस्से के रूप में लॉन्च किया था। वे भारत की अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके स्थिति का समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज, खेल समाचारों की। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन दीपक सिंह
was the only Indian boxer to notch up the gold medal, while five other claims silver medal in the Makran Cup in Chabar, Iran. Deepak defeated Jafar Nasseri in the finals. P. Lalitha Prasad, Commonwealth Games silver medalist Manish Kaushik, Duryodhan Singh Negi, Sanjit and Commonwealth Games silver medalist Satish Kumar claimed silver medals. नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन दीपक सिंह एकमात्र भारतीय मुक्केबाज थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पांच अन्य ने ईरान के चाबहार में मकरान कप में रजत पदक जीता है। फाइनल में दीपक ने जाफर नसीर को हराया। पी ललिता प्रसाद, राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मनीष कौशिक, दुर्योधन सिंह नेगी, संजीत और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता सतीश कुमार ने रजत पदक पर जीत दर्ज की है। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज ओपनर क्रिस गेल हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन एवर टू स्मैश 500 और मोर सिक्सेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इन द फोर्थ वनडे अगेंस्ट इंग्लैंड इन ग्रेंडा, गेल स्कोर्ड 162 रन्स। हिज इनिंग कंटेंड ए स्टगिंग 14 सिक्सेज एंड पावर्ड द विंडीज टू दियर हाइएस्ट एवर वनडे स्कोर ऑफ 389। गेल ऑल्सो रीच द 10,000 रन माइलस्टोन in one day and become only the second West Indies after Brian Lara to achieve the milestone. West Indies का सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ग्रेनाडा में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे वनडे में गेल ने 162 रन बनाए। उनकी पारी में 14 छक्के शामिल थे और इस पारी ने विंडीज को उनके 389 के सर्वाधिक वनडे स्कोर तक पहुँचाया। गेल भी एक दिवसीय मैचों में 10,000 रन की उपलब्धि प्राप्त की है और ब्रायन लारा के बाद इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले दूसरे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, मिसलेनियस न्यूज विविध समाचार। IRCTC लॉन्चेज इट्स ओवन डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर कॉल्ड IRCTC iPay। विद iPay पैसेंजर्स विल नॉट नीड एनी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स as it will provide payment options like credit card, debit card and unified payment interface and international card. This will help reduce the gap between IRCTC and banks, which all eventually led to substantial reduction in payment failure. IRCTC ने IRCTC iPay नामक अपना एक डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च किया है। iPay के साथ यात्रियों को किसी भी तृतीय पक्ष प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जैसे भुगतान विकल्प प्रदान करेगा। यह IRCTC और बैंकों के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा, जो अंततः भुगतान विफलता में काफ़ी कमी लाएगा। दिल्ली में स्थित MMAD कम्युनिकेशन द्वारा बैंक एंड सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, जो IRCTC का प्रौद्योगिकी भागीदार है। और नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। श्री गहलोत ने कहा है कि 7वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात के भरूच में विकलांग व्यक्तियों के आधिकारिकता विभाग द्वारा बनाया गया है। आधुनिक कृत्रिम अंग गुजरात में 8 घंटे के भीतर 260 दिव्यांगजनों पर प्रत्यारोपित किए गए। DEPWD ने पहली अन्य श्रेणियों में 6 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का समाचार और करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब UV कंपटीशन चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।